एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं ज्योति चंद आपका स्वागत करती हूँ फिर से नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस दिन के डेढ़ बजे से। तो अभी मैं नहा के आई हूँ बाहर पे, और रैम्बो और मर्सी भी अंदर पे बैठे हैं। पता नहीं क्यों कपड़े उड़ जा रहे हैं, मुझे तो पता नहीं, मौसम का कुछ समझ नहीं आ रहा है। मौसम का क्या ही सीन शॉट चल रहा है कि अचानक से ठंडा हो रहा है। गर्मियों के दिनों में भी अब लोग बोलेंगे कि गर्मियों में तुमने इतना बड़ा हुड पहना है, बट यार बहुत ठंडा हो रहा है इस साइड को, तभी मैंने पहन रखा है। और पता नहीं मैं अपना एक ही सर्च कर रही हूँ जो मिल ही नहीं रहा है। दिया आई थी ना, जब दिया आई थी तो उस टाइम पे एक इनर थी, तो उसने मेरी इनर पहनी थी, और उसके बाद वो उसने कहाँ रख दी, क्योंकि शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। आई एम ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट मैं अपने बहुत सारे कपड़े हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रखती हूँ, बट उसने तो रखे ही नहीं है, क्योंकि आप मम्मी ने बनाए थे। तो आप मम्मी ने बहुत सारे कपड़े बनाए हैं, तो उसमें वो कपड़े दिख ही नहीं रहे हैं बाबा। और इसका पोछा बनाने वाले हैं, वो कपड़े कहाँ रखे होंगे फिर उसने। तो यार अभी तो मेरा सामान मिल नहीं रहा है, तो बाय द वे अभी मैं जाती हूँ नीचे। सो गाइस, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे, दो दिन से मेरे वाले ब्लॉग चल रहे थे कि क्या कहते हैं, जिसमें प्रिया और मेरी लगातार रेगुलर लाइट दिख रही थी, मतलब लड़ाई दिख रही थी, आपको वाले ब्लॉग देखने को मिल रहे थे। बट येस, इट वॉज अ प्रैंक। क्योंकि हुआ क्या था ना कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे अपने सास पे प्रैंक करो, सास पे प्रैंक करो, बट सास पे प्रैंक नहीं किया। तो प्रिया ने बोला कि हम खुद ही प्रैंक करते हैं, मतलब इसी ने आइडिया दिया था कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। और मतलब उसके आगे की वो तो लिरिक्स ही नहीं थे, मतलब उसके आगे वो आते गए है, उसके आगे वो स्क्रिप्ट थी नहीं, मतलब मैं गुस्सा आते गया, मतलब सच में यार कभी कभी तो इतने जोर से उतारा था ना, बीच के कुछ क्लिप होंगे मैं ऐड करूंगी उसमें, इतनी हंसी आ जा रही थी ना। हेलो कैसा लगा प्रैंक? मजाक कर रहे हैं, हम तो वीडियो बना रहे हैं आज, ये वीडियो बना रहे हैं तुम लोग, हाँ तो लड़ाई डाल रहे हैं आज पब्लिक के साथ प्रैंक कि हमारी लड़ाई हो गई। तो गाइस ये चल रहा है यहाँ पे बिहाइंड द सीन, यहाँ पे सारी चीजों का दिया का अलग, ताकि लोगों को सच में लगे कि हमारी लड़ाई दो दो अंदर। एक बार क्या हुआ, हाँ उसके बाद इतना ज्यादा जुनून आ गया चीजों को लेके। एक बार क्या हुआ ना, वो क्लिप मैंने ऐड नहीं की कि मैंने दरवाजा पटका, उसके बाद फिर आई, फिर बोला भाभी गुस्सा आ रहा है आपको सच में। तो मतलब ऐसा हो रहा था कि जुनून जुनून में हो गया वो सारी चीजें। और बहुत सारे लोग बोले थे ना कि आप लोग आप हंस रहे थे ये था, तो वो ऐसा ही है, मैं किसी से भी लड़ाई करती हूँ ना तो मेरा फेस वैसा ही रहता है, मेरा ऐसा नहीं रहता कि मैं एकदम ही बना दूँ। तो योगेश से भी जब होता था, इससे पहले ब्लॉग में मैंने बताया, तो वो मैं हंसी जाती थी, बट प्रिया ने यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं प्रिया को कि बोलो प्रिया को कमेंट किए जा रहे हैं कि क्या कुछ थारे, जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट जो भी कर रहे हैं, मतलब उनको हम ऐसा ही बताना चाहेंगे कि बाहर आओ बाहर 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 अंदर अच्छे ब्लॉग वो नहीं आ रहे क्योंकि हमारे अंदर लाइट नहीं है। हाँ तो सबसे अच्छे एक हमारे योयो भैया है, उनके कमेंट आए थे, मैंने तो बोला ही था बोला आपसे आपकी ननद बहुत ज़्यादा रौद्र रूप वाली है, तभी मैं आजकल कमेंट नहीं करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों के मेरे लिए नेगेटिव कमेंट आए थे और इनके लिए नेगेटिव कमेंट आए थे कि मतलब तुम दोनों ऐसा कर रही हो, ये कर रही हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, इट वॉज़ लाइक जस्ट अ प्रैंक। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, हाँ जो मेरे ससुर जी थे ना उनको पता ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में, उनको ऐसा लग रहा था कि हमारी रियल वाली लड़ाई हो रही थी, बट वो रियल वाली लड़ाई नहीं थी, वो खाली फर्जी था। तो आप प्लीज मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, बट आप ही ने बोला था कि प्रैंक ये नहीं मांगेंगे, लेकिन मैं मांगना चाहूंगी, लेकिन आपने बोला था प्रैंक करो, तो कर दिया प्रैंक। तो बहुत अच्छा मजा भी आया क्योंकि हम फ्यूचर में वो चीज देखेंगे, तो बहुत हंसी भी आ रही थी, पता है सच में बहुत दबदबा, बहुत मजा आ रहा था। तो आप क्या कहना चाहोगी प्रिया सॉन, बिहाइंड द सीन्स का लाएंगे, मतलब इसी वीडियो में आएंगे, इसी पे ही आएंगे, और बहुत मजा आ रहा था। और वो ऐसे ही हो गया, मतलब ऐसे ही बिल्कुल ही कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, हमने बस ऐसे बोला था कल हम प्रैंक करेंगे मिठाई के डब्बे से रिलेटेड। हाँ वो मिठाई का डब्बा भी बीच में आ गया, उसका तो सीन ही पता नहीं कहाँ से आया था, मेरी मिठाई कहाँ गई, मेरा ये कहाँ गया, वो मिठाई का डब्बा पहले दिन वाला था। वो तो ऐसी ऐसी चीजें हो गई जो हमने सोची भी नहीं थी। और बस दिया का अलग ही चल रहा है वहाँ पे, जैसे ऐसा लग रहा है कि रो रही है, मैं दुनिया आऊंगी बल तेरे घर, जब से वो आएंगे बल तब से ही। और बापरे सबसे बड़ा अच्छा तो ये हुआ हमारे घर में कितनों के फोन आ गए फिर उसके बाद। हाँ आज सुबह से सब गाली दे रहे हैं, सब के फोन आ रहे हैं, मतलब क्या डाल दिया तुमने इस टाइप का, ये है सो है, हाँ तुम्हारी सच में लड़ाई हो गई। मेरे मायके से भी फोन आया कि क्या हो गया, कि क्यों कर मर रहे हो ऐसा, मैंने कहा कुछ नहीं कर रहे हैं।
ऐसा लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है, लेकिन बहुत मजा आया क्योंकि ऐसी चीजें भी करनी चाहिए यार डेली ब्लॉग के साथ साथ थोड़ा मजा मस्ती भी तो करनी चाहिए। बट आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसके लिए प्रिया, दिल से धन्यवाद को। हाँ, दिल से धन्यवाद। और अब क्या करें बताओ, नेक्स्ट प्रैंक बाद में होगा शायद जब दादा आएगा। हाँ, अब नेक्स्ट प्रैंक तभी होगा जब योगेश आएगा, वो भी थोड़ा कूल डाउन वाला नहीं है, उसके साथ अब मैं प्रैंक करूंगी, देखना जब वो नेक्स्ट। हाँ, वो रोज आएगा। हाँ यार, वो रोज आता है यार, फिर उसके साथ प्रैंक करने में मजा नहीं आता। एक सो गाइस, यहाँ पे हम कर रहे हैं अपने स्टोर रूम की सफाई, ये देख सकते हो आप, शादी में हमारे इतने फौले आए थे। पापा के लिए यहाँ पे कपड़े ढूंढे जा रहे हैं। ये वाली, ये तुम लाई थी ना? हाँ, फिर उस दिन इसका मेरा झगड़ा हुआ था, उस दिन पहन के लाया था। डिग्गी में एक और लेके आया हुआ, पहन के लाया हुआ। क्या बोल, मैं कुछ पहन के ला रहा हूँ, मुझे बताना बोल, मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, फिर बोल फिर मैं उसको चेंज कर दूंगा, फिर डिग्गी से चेंज कर दी रही। ये नहीं पहनी रही। ओ माई गॉड गाइस, न्यूयॉर्क की, सही बोला मैं, अच्छी लग रही है तुम्हारे लिए, छी हो रही पर है किसकी, ₹5 पक्का सस्ती है ये बहुत ज्यादा। इसका कपड़ा, सच में इसका कपड़ा बता रहे की विशाल से भी नहीं है। ओ माई गॉड गाइस, एक से एक कपड़े निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रिया तुम ऐसा ही पहना करती थी, डांगरी पूनम, तुम डांगरी डांगरी कह रही थी ना, ये चाहिए वो पूनम, देख सकते हो आप ये। अच्छा तो यार, ये टेंट की सफाई होगी, देन उसके बाद होगा। अब चलिए, चलो पहले खाना खाते हैं, फिर मैं भी लूंगी, चलो नहीं तो वो पूरा गाढ़ा हो जाने वाला है। सही कह रही हो। ओ माय गॉड गाइस, कैसे कैसे कपड़े निकल रहे हैं आप देख सकते हैं, दिखाओ दिखाओ प्रिया। ये तो जब प्रिया बहुत ज्यादा स्किनी हुआ करती थी तब के कपड़े आएगा इसे। ये तो भाभी को भी नहीं आएगी ये, मुझे कहां से आ रही है ये, बाप रे ऊपर ही रह जाएगी। गाइज, आज हम स्टोर रूम की सफाई कर रहे हैं, प्लस बहुत सारी चीजों की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बुड्ढे ससुर जी है ना, उनके उनकी बरसी आने वाली है। ओ माय गॉड, बरसी तो छोड़ो, उससे पहले एक और कपड़ा देखने को मिल गया, ये ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो आज से कितने साल पुराना? 2009 का गाइज, इसमें देख सकते हैं ये अंबानी जी ने इनको गिफ्ट की थी, और देख सकते हैं बिल्कुल ही जड़ी का काम किया गया है इसमें। यहाँ पे डायमंड, दुबई से डायमंड मंगाए गए हैं यहाँ पे। तो मैं कितनी छोटी थी 2010 में, छोटी नहीं होंगी भी 2010 में, 9 साल की तो होंगी। मम्मी का गर्म पैंट, अपना गर्म पैंट नहीं दिखा रहे, और शर्ट का अपना गर्म पैंट शर्ट बंद कर दे रहे, जो नीचे से ऊपर तक फटा है पूरा। अम्मा के लिए यहाँ पे खाना रेडी हो चुका है, दूध और भात, क्योंकि अम्मा दाल नहीं खाती है। दाल इसलिए नहीं खाते हैं वो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती है। तो बहुत टाइम हो गया जब से बुबू की डेथ हो गई है, मैक्सिमम वन ईयर। तो हम उसके बाद उनको वही देते हैं, लाइक दूध भात ही ज़्यादा देते हैं। और तभी हमने उनके लिए 2 किलो दूध भी लगाया, क्योंकि मेरी बुढ़िया सास बहुत ज़्यादा दूध खाती है। और बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आप बुढ़िया सास क्यों बोलते हो, ये क्यों बोलते हो, वो क्यों बोलते हो। तो हमारे यहाँ जो सास की सास होती है, उसे बुढ़िया सास ही कहा जाता है। और आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि अम्मा को आप नीचे क्यों रखते हो, ऐसा क्या है वैसा क्या है। तो मैं उसका एक अलग से बहुत ज़्यादा गहरी कहानी है, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, और मैं आपको सारी चीज़ें उस वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने क्वेश्चन किया है तो आंसर देना ज्योति ब्लॉगर का हक है, तो आपकी ज्योति ब्लॉगर आंसर देगी। तो अभी वो खिला रही है अपनी बुढ़िया सास को खाना, तो फिर मिलते हैं उसके बाद आपको। सो गाइस, यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, और प्रिया, आज प्रिया लोगों ने और मम्मी लोगों ने नीचे का पूरा सामान हटाया फटाया साफ किया, क्योंकि ऐसा हो गया था ना, क्योंकि 2-3 बाल्टी कपड़े हो गए थे, तो मैंने कपड़े धोए। देन उसके बाद इन लोगों ने नीचे की सफाई करी, वाले सारे रेलिंग में कपड़े कपड़े हैं यार, बहुत ही बास आ रहा था उन कपड़ों से। तो अभी हम दिखाएंगे आपको कि हमें नीचे कितना सफाई किया है। सफाई हो गया है, पहले यहाँ से नंगे पाँव नहीं आया जाता था, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा कचरा हुआ करता था। तो ये सारे गद्दे हमने यहाँ पे सेटल कर दिए, क्योंकि अब जब बूबू की बरसी होगी ना, क्योंकि जब बूबू की
क्रियाकर्म किया गया था तो इन्हीं कमरों में किया गया था और इसमें पंडित जी बनाते थे और उस वाले कमरे में क्रिया वगैरह की गई थी, तो ये पूरा साफ कर दिया गया क्योंकि बहुत जल्दी बुबू की बरसी आने वाली है हमारे, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा काम यहाँ पे करके रख दिया गया है। और आप लोग बोले थे कि होम टूर, तो बहुत जल्दी आपको होम टूर देखने को मिलेगा क्योंकि आज तक तो कंटेंट हो पा रहा था, तो धीरे धीरे करके सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। अम्मा, अम्मा, हेलो, कैसे मैं फोन आ रही हो? हेलो, कैसे हो? कौन मैं? कैसे हो को? गाइज हो? पर गाइज देखो मैं आप तुमसे गाइज मेबी ओए बनूम दे बन निकल ओए बनूम रे पाए तुम्हारे नाते बनूम रे वीडियो अम्मा बाबू को उसको इंजेक्शन लग रहा है। आजा 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 ली रेम्बो, ये तो वहां चले गए, इसकी जंजीर लेके आओ, वहीं तुम्हारे साथ आएगा। बैठे थे तो जो यहाँ भैया आते हैं ना, एक जो आजकल अब हमारे हम बोल सकते हैं फैमिली डॉक्टर बन गए हैं, तो इनके लिए वही आते हैं। तो अभी जब मैं मायके गई थी तो लियो की तबीयत, रैम्बो की तबीयत खराब हुई थी, तो अभी उसको इंजेक्शन लगाने वो लोग आ रहे हैं क्योंकि उनका एक इंजेक्शन बचा था। और ये कैसे देख रहा है रैम्बो, लियो बैठ जा, लियो लियो बैठ जा, कह रही उसको दो पकड़ना हो रहा है, काट देगा कहीं। अभी आ रहा है बेटा, वो आ रहा है।